पहाड़ियों की एक बहुत पुरानी मांग है कि उनको कहीं और नहीं बस एक स्टेटस मिलना चाहिए जिसमें वो लोग ये कहें कि हम भी एसटी से ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि इस समय अगर डिलिमिटेशन कमीशन की बात की जाए तो डिलिमिटेशन कमीशन ने भी 9 सीट्स जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व की। पुंछ की अगर मैं बात करूं तो पुंछ में भी 3 सीट्स पूरी की पूरी एसटी के लिए रिजर्व की गई, और अगर पुंछ की ही बात करें तो पुंछ में एसटी कम्युनिटी से ज्यादा पहाड़ी स्पीकिंग लोग वहां पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये कहा जा सकता है जरूर कि अगर एसटी के लोग वहां पर भी शामिल हो जाते हैं, ये जो जितने भी पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, अगर वो भी शामिल हो जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है इस एसटी का डिलिमिटेशन कमीशन को लाके रिजर्वेशन देने का। पर असल में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि इन्हीं का ही चीफ मिनिस्टर बन के सामने आएगा, इनके लिए बहुत सारी बातें की जाएंगी, पर हमेशा ही वो धराशायी ही होती हुई नजर आई है। पर आखिरकार क्या कुछ चेंज होगा या नहीं, अब बातचीत कर लेते हैं। शुरुआत में आपसे करती हूँ, क्या लगता है इस बार कुछ चेंज देखने को मिलेगा या जो हर बार वादे होते हैं सेम वादे ही रहेंगे? जी देखिए, जैसे कि सभी ने बताया यहाँ पर के पिछले 50 साल से हमारी जो एक मूवमेंट है देखिए चल रही है, और बड़ी सी जो जितने भी गवर्नमेंट आई है हमारी आज तक उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस भेजी हैं सेंटर को, और किसी कारणों की वजह से आज तक वो जो है मुकम्मल जो है कमली जमा नहीं पहना सके एसटी को। लेकिन आज के डेट में जो 2019 के आसपास देखें तो 4% जो रिजर्वेशन है पीएसपी की जो स्टेट लेवल पे देखिए हमें मिली है, तो एक स्टेप देख सकते हैं कंक्रीट स्टेप जो एक्शन इस पे के लिए लिया गया है। फिर अमित शाह जी आते हैं वो भी कहते हैं, और इवन ये भी कहते हैं कि पहाड़ी चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, और ये जो कहते हैं कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, तो आने वाली चीजों के जो परछाई हमें पहले दिखने को मिलती है। लेकिन आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करने का जो हमारा मकसद ये था, एक तो हमने एक अपील डॉक्यूमेंट जो है उसको हमने रिलीज किया, दूसरा हमने ये किया कि राजौरी पुंछ में जैसे कि आपने पहले बताया कि वहां पर मैक्सिमम सीट को रिजर्व कर दिया गया, और खासकर पुंछ की डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, सारे के सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व किया गया, और जिस कैटेगरी के बेसिस पे किया गया उनके लोग 32% या 34% लोग हैं, बाकी मोर देन 60% लोग जो हैं उस प्रोसेस से बाहर हो गए, उनके पास एक इक्वल राइट नहीं रहा, रिप्रेजेंटेशन नहीं रही कि वो भी राइट टू जो है कंटेस्ट इलेक्शन का जो उस क्लाज में आ सकते हैं। तो हमारी यही मांग है कि लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं, हमारे जो लोग हैं हमें पूरी उम्मीद है, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जो सरकार है हमारी इस मांग को समझेगी, और इसी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हमने बात की, और आने वाले दिनों में हम इस स्ट्रगल को जो है और इंटेंसिफाई करेंगे। ब्लॉक लेवल पे आपने देखा होगा सिग्नेचर कमेंट चल रही है, जितने भी राजौरी पुंछ और कश्मीर के एरिया है जहां जहां पहाड़ी है ब्लॉक लेवल की कमेटीज थी, अभी राजौरी में कन्वेंशन हुई, डॉक्टर विक्रांत जी थे वहां पर, उसके बाद हमारे आसान साहब थे, इन सभी लोगों ने वहां पर एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है, ठाकुर गुरुदेव सिंह जी हैं, तो जगह जगह जा रहे हैं, तो लोग हमारे साथ हैं, और हमें पूरी उम्मीद है, और गवर्नमेंट का हमें लगता है कि जिनके साथ लोग होते हैं गवर्नमेंट उनके साथ होती है, और हम ये बात किसी फैक्ट किसी ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, और ये सारी की सारी चीजें फैक्चुअल हैं। जितने भी कमीशन हैं अगर वो कह रहे हैं कि हमारी सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, हमारी जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, ट्राइब के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें हम फॉल करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारी बीजेपी की भी इनको भी देर नहीं करनी चाहिए, उनको भी जितना जल्दी हो सके लोगों के अंदर जो एक डिमोरलाइजेशन आ रही है, लोग जो डिस्करेज हो रहे हैं, लोगों की परेशानी को समझना चाहिए, और जितने जल्दी हो सके हमें अनाउंस करना चाहिए। एसटी में अगर आप आ जाते हैं कितना फायदा जो है वो आपको हो जाएगा, जो अभी फायदा नहीं मिल पा रहा है तब मिल सकता है? देखिए कि अगर पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस मिलता है, सबसे पहला फायदा तो आप यही देखिए कि अगर हम आज इस जो डिलिमिटेशन ड्राफ्ट के बाद हम खासकर पुंछ की बात करूंगा, मैं पुंछ से हूँ, राजौरी की बात करूंगा, मैक्सिमम सीट्स रिजर्व होगी, पहला फायदा तो ये होगा अगर हमें एसटी स्टेटस मिलता हूँ कम से कम इलेक्शन तो कंटेस्ट कर सकेंगे, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 65% पॉपुलेशन जो है वो इस प्रोसेस से बाहर हो गई, तो यही कारण है, पहला फायदा तो यही है। उसके बाद भी अगर हम बातें करें कि हमारे वहाँ जो बच्चे हैं जो खासकर पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी कबीले से बिलोंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब्स में भी देखिए बड़े नैरो मार्जिन से रह जाते हैं, शायद यही कारण है कि उनके पास इस कैटेगरी ये वाला एसटी स्टेटस नहीं है। तो जैसे अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी फील्ड्स में जो है पहाड़ियों को फ़ायदा होगा, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो ये हमारा इलेक्शन प्रोसेस हो, तो इसीलिए यही उम्मीद है कि हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो वेरियस कमीशन यहाँ कॉन्स्टिट्यूट हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजे, उनकी जो रिपोर्ट गई है कि जो पहाड़ी
जो हैं जो ट्राइब के लिए जो भी पैरामीटर्स होते हैं अगर हम उसमें आते हैं तो उन हम यही चाहते हैं कि हमें आज तक एसटी स्टेटस क्यों नहीं दिया गया। पहले वाली गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। अगर इस गवर्नमेंट ने हमें आइडेंटिफाई किया, हमें 4% रिजर्वेशन दी है, हमारे बच्चों के लिए अगर हॉस्टल बने हैं पहाड़ियों के लिए, अगर हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, इट मीन्स हम आइडेंटिफाई एक ट्राइब है, तो क्यों नहीं हमें जो है जो हमारी 40 साल से पहले से ये डिमांड चल रही है एसटी स्टेटस मिले। तो जाहिर सी बात है जब एसटी स्टेटस मिलेगा तो पूरी जो हमारा जो कबीला है उसको कहीं ना कहीं बहुत फायदा हो। मैं आपके पास आती हूँ, लगातार ये बातें उठ रही हैं, जब एक पहाड़ी की बात उठी थी तो एक डिवाइड कर दिया गया, जो सुंदरबनी के इस साइड है वो असल में पहाड़ी है, जो वहां से डिस्प्लेस पीपल हुए जो इस समय आरसपुरा में रह रहे हैं वो पहाड़ी के लिए उनको एक सर्टिफिकेट लेने के लिए भी दरबदर होना पड़ रहा है, क्या वो लोग भी आपके साथ शामिल होंगे या वो अलग हो जाएंगे? देखिए मैं मैडम, देखिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पहाड़ी एक एथनीसिटी है और एक ट्राइबल है और उनकी एक आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी हुई है, गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन की है। जो लोग लेफ्ट आउट अगर हैं तो वो गवर्नमेंट देख लेगी अपने हिसाब से टाइम टू टाइम के कौन से लोग लेफ्ट आउट हैं, वाकई वो पहाड़ियों में आते हैं या नहीं आते। अगर कोई अगर कहता है कि हम रह गए हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन ले सकती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन फिलहाल तो हम ये कहते हैं कि कम से कम हमें मिले जो इतनी जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, जो सारा सिलसिला है, और हमें ये लग रहा है कि अब एक वक्त आ गया है कि जब वो कहते हैं ना कि अब हमें मुझे लगता है कि वो कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, तो हमें लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें शेड्यूल ट्राइब का जो है दर्जा मिले, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाएगा। एमएलए मेंडर की अगर मैं बात करूं वो भी कह रहे हैं कि मिल जाना चाहिए, सही ही है। जो रहे हैं एमएलए मेंडर, अभी नहीं है, पहले जो रहे हैं, उन्होंने भी क्योंकि इंटरव्यू में कहा कि एसटी का स्टेटस जो है वो पहाड़ियों को मिलना चाहिए, क्या आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता अब जितने भी राजनेता हैं वो भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए राजनेता वक्त के साथ चलते हैं और उनको ये कहना भी चाहिए, क्योंकि जो एमएलए मेंडर हैं उनको पता है कि पहाड़ियों का क्या हाल है, पहाड़ी कहाँ रहते हैं, इसलिए जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच कहा। और हम भी इस बार पूरी उम्मीद हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करेगी, और जो हमारा पहाड़ी कबीला है, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि वो नाराज ना हो, बहुत जल्द हमें कुछ मिलने जा रहा है, हमें खुशखबरी मिलने जा रही है। इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद? इलेक्शन से पहले मिलेगी और हम सब मिलकर इलेक्शन भी लड़ेंगे और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनकी हिफाजत भी होगी। मैं एक शेयर कहना चाहता हूं आपकी कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को आपके माध्यम से, वो कहते हैं कि हाले चमन को देखकर यूं परेशान आहो माली, कुकवे गोशा से हैं नई शाखें बहुत जल्द खिलने वाली, इसलिए परेशान ना हो, बहुत जल्द हमें हमारा हक मिलेगा और हम भी जो मेन स्ट्रीम में लोग हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हमारी कम्युनिटी भी और हमारी आने वाली जनरेशन भी आगे बढ़ेंगी। आने वाले समय में एक अच्छी न्यूज मिल सकती है पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को, जो पहाड़ी हैं उनको, पर कहीं ना कहीं वो लोग भी अभी एक परेशानी के सबब झेल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वहां से डिस्प्लेस हैं और लगातार तहसीलदारों के ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें भी पहाड़ी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर उन लोगों के लिए भी वो सब फायदा हुआ तभी बेनिफिट में माना जा सकता है, नहीं तो कुछ चुनिंदा लोगों को बेनिफिट मिला, कुछ चुनिंदा लोगों को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं पहाड़ी जो आपस में उनकी यूनिटी है वो ही टूट जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।